नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यानी जिस जगह का मुखिया ही मूर्ख हो तो वहां पर हमेशा अन्याय होता ही रहेगा और किसी भी चीज की कीमत नहीं होगी। आज ये कहावत पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर वहाब रियाज को इंग्लैंड से उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है और इसकी वजह भी ऐसी जिसे जानकर पाकिस्तान की लापरवाही का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बेइज्जती कराता रहा है। हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों को लेकर पाकिस्तान के नुमाइंदे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हैं और अपने इंटरनेशनल जलालत कराते हैं। पाकिस्तान की बेहद करारी और बेहद ताजी बेइज्जती इंग्लैंड में हुई है, जहां पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर वहाब रियाज को इंग्लैंड से स्वदेश के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। दरअसल वहाब इंग्लैंड में लिमिटेड ओवरों की सीरीज खेल रही पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो द 100 खेलने के लिए लंदन पहुंचे थे, लेकिन उनके पास वर्क परमिट नहीं था। वहाब को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तान वापस भेजने का फैसला किया। वहाब को द 100 की टीम ट्रेंट रॉकेट्स ने नाथन फुल्टर नाइल की जगह विशेष रूप से शामिल किया था। हाल ही में खत्म हुई पाकिस्तान सुपर लीग में वहाब दूसरे सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले खिलाड़ी थे। माना जा रहा है कि रियाज वर्क वीजा के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं और इंग्लैंड वापस लौट सकते हैं, लेकिन उनके वापस लौटने से पाकिस्तान की छवि इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल हो गई है। रियाज को PSL में शानदार प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी सीरीज में उन्हें नहीं चुना गया। इस पर वहाब ने एक बयान में निराशा भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि इस दौरे पर मुझे मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना निराश करता है। बता दें कि 100 गेंदों वाला ये टूर्नामेंट 21 जुलाई से खेला जाएगा, जबकि फाइनल 21 अगस्त को होगा। पाकिस्तान यानी टेररिस्तान के वजीर आलम और वजीरों की लापरवाही का ही नतीजा है कि देश के इतने बड़े क्रिकेटर को विदेश तो भेज दिया, लेकिन वर्क परमिट ही देना भूल गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।